खतरों के खिलाड़ी 13 में टीवी, फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के कई पॉपुलर कंटेस्टेंट ने इस बार हिस्सा लिया है। अब तक कई सेलेब्स भी बाहर हो चुके हैं। बीते हफ्ते शो में अंजुम फकीर ही बाहर हो गई थी। अब खतरों के खिलाड़ी 13 से आने वाले हफ्ते में एलिमिनेट होने वाली कंटेस्टेंट को लेकर भी जानकारी सामने आ चुकी है। अंजुम फकीर के बाद अब खतरों के खिलाड़ी 13 से एक और हसीना का इविक्शन होने वाला है। दरअसल शो की शूटिंग पहले ही साउथ अफ्रीका के केप टाउन में पूरी की जा चुकी है। अब ऐसे में टीवी एक्ट्रेस नायरा बैनर्जी के इस बार एलिमिनेट होने की जानकारी सामने आई है। खबर के अनुसार रोहित शेट्टी शो से आने वाले एपिसोड में नायरा बैनर्जी को बाहर करने वाले हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि नायरा बैनर्जी पिछले हफ्ते डेंजर जोन में थी। खतरों के खिलाड़ी 13 के बाकी कंटेस्टेंट ने उन्हें और अंजुम फकीर को सबसे कमजोर खिलाड़ी के तौर पर चुना था। इसके बाद दोनों को एलिमिनेशन टास्क परफॉर्म करना पड़ा, जहां कुछ मिनट के अंतर से नायरा बच गई थी और अंजुम को बाहर जाना पड़ा था। अंजुम फकीर को रोहित शेट्टी ने खतरों के खिलाड़ी 13 में दूसरा मौका दिया था, लेकिन कुंडली भाग्य एक्ट्रेस ने वाइल्ड कार्ड बनकर वापसी की थी, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक शो में नहीं टिक पाई। अंजुम फकीर से पहले खतरों के खिलाड़ी 13 से डेजी शाह, रूही चतुर्वेदी, अंजलि आनंद एलिमिनेट हो चुकी हैं। वहीं रोहित रॉय ने चोट लगने की वजह से शो को ही बीच में छोड़ दिया था। नायरा बैनर्जी के जाने के बाद खतरों के खिलाड़ी 13 में अब 8 खिलाड़ी बचेंगे जो शो की ट्रॉफी जीतने के लिए मुकाबला करेंगे। इनमें ऐश्वर्या शर्मा, अर्चना गौतम, अर्जित तरेजा, दीनो जेम्स, रश्मीत कौर, सिजान खान, शिव ठाकरे और सोंदूस मोह फकीर का नाम शामिल है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं।